नवाब आवाज दो, दो आवाज। अच्छा कालू आ जा, कालू आ जा। अच्छा मैं खोलती हूँ, खुला हुआ, चल ताला नहीं लगा हुआ। मैं खोलती हूँ, मैं खोल रही हूँ। आ जा बोलो, आ जल्दी, तू भी चलेगा, आ जा तू भी आ जा। ओए कालू यार, कोई तो वीडियो बनाने दिया कर ढंग से। ये देखो भोलू ना जाके गाय से रोटी मांगने वाला है आज पक्का, ये यही करने वाला है। शक्ल देखने इन दोनों की। अच्छा क्या दिखा, क्या दिखा उसको, वाइट बगुला दिखा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हम लोग निकल गए अपने पलटन के साथ में वॉकी वॉकी करने, और यहाँ पे हमारे सेक्टर में ना इतनी सारी गायें हैं सुबह सुबह, और सबसे ना धीरे धीरे नाबू की दोस्ती भी होने लगी है, और जो उनके काफ है ना छोटे छोटे बछड़े, वो तो यार क्या ही बताऊँ मैं, इतने सुंदर लगते हैं। मैं ना ऑब्सेस्ड हूँ उनके साथ में, मेरे को ना बचपन से गाय के जो बछड़े हैं बछड़ी हैं बहुत, मतलब बहुत अट्रैक्ट करते हैं बहुत, और स्पेशली जो उनके आँख में जो काजल डालते हैं ना भगवान जी नेचुरल, वो तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। पलटन देखो आ गई घूमने, एक गोलू कहाँ रह गया, गोलू ये रहा। गोलू की अपडेट मैं दे दूँ, गोलू अब काफ़ी बेटर है, जो इसको डॉग बाइट हुई थी काफ़ी बेटर हो गई। कालू कहाँ चले गए यार, ये कालू ना सच में मेरे से पिटेगा, मैंने इसे कल से लाना बंद करूँगी, पता नहीं कैसे कैसे जगह पे कैसे कैसे रास्ता मिले जाएगा यार इन्हें। कालू गोलू बोलू जल्दी आ, जल्दी आ गए, बाहर चलो बाहर, तुम्हें बताऊंगी मैं, तुम बाहर चलो जरा एक बार। कितनी सुंदर लग रही है, दोनों येलो हैं, वाओ। तो अब जाके ये फाइनल हुई है टाइल, और देखना कैसे चेक पीसी लगा के गए हैं, कसम से गुस्सा भी आ रहा है और बुरा भी। वो तो 4 महीने हो गए हम लोगों को, और हम लोग ढंग से शिफ्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, कभी कुछ काम चल ही रहा है, और ये टाइल लगनी थी, जो लगनी तभी थी, लेकिन लेबर की आ जाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, आज माल नहीं है, आज ये नहीं है, तो आज 4 महीने बाद जाके ये टाइल लगी है। और अब मैं छोटू को लेके आती हूँ, छोटू को मैंने बाहर रखा हुआ था क्योंकि वो काम ही नहीं करने दे रहा था। क्या हुआ, जो अपना छोटू है ना, तो वो ना पक्के पे पोटी करते हुए उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, तो क्या बचपन से शुरू से घास में मिट्टी में रहा है, तो मैंने ना जस्ट थोड़ा सा गेट खोला, और मैंने सोचा कि थोड़ा घर के सामने मिट्टी है घास है तो वॉक कर लेगी और फ्रेश वगैरह हो जाएगी। तो उसने सुसु पोटी ना करके उसने सीधा लेफ्ट लिया, और ऐसे ना नाक की सूद ऐसे भागती हुई गई अपने जहाँ पे उसके मम्मी और भाई बहन है। अब मैं जा रही हूँ उसके पीछे पीछे, भाग भाग के मेरी भी सांस ऊपर नीचे होगी। जस्ट रोहन उसी टाइम जिम से निकले ही थे, तो मैंने रोहन को फ़ोन किया, मैंने कहा रोहन छोटू भाग गई, उसको पकड़ो कैसे भी करके। सर रोहन जिम के लिए निकले ही थे कि मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा छोटू भाग गई, जल्दी आओ छोटू, जल्दी आओ, शाबाश आओ, दीदी पास आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये अब तो दोस्ती हो गई ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे पास आओ। क्यों भागे आप, मम्मा से मिलना था, मिल लिया मम्मा से, हो गया मिलना, सीधा अंदर सीधा, देखना क्या हाल करके आई है। क्यों भागे आप, क्यों गए घर से, पिटाई करूं मैं आपकी। ये देखो इन्हें सब पता होता है, इनका जो गिल्टी फेस है ना, इनकी आंखें सब बताती है गिल्टी है। क्यों गए आप, गलत बात है ना बेटा, कुछ चढ़ जाता आपके ऊपर, बीच में पता कितने कुत्ते हैं आपके घर से पहले, कितने बड़े बड़े डॉग्स हैं आपको पता है, नहीं ना फाड़ देते आपको, पास 2 दिन है, 2 दिन आप मेरे पास रहोगे ठीक है, और तमीज से रहोगे। भाई जो हालत हुई है ना, सबसे पहले आगे मैंने मुंह धोया सारी, मैं उसमें हो गई, ये गंदी मिट्टी में हो रही थी जाके ना, वहाँ झोड़ सा है उसमें जाके बैठ गई अपने, इतनी गंदी हो गई मैं, फटाफट कपड़े तो चेंज करनी है, लेकिन सबसे पहले तो मैंने मुंह धोया, और मैंने जो उसको डांटा ना तो सब पता होता है ना, इसे पता लगे इसने गलती की है, तो ऐसे देखने लगी, पप्पी आइज ना लगी कि अरे सॉरी गलती हो गई ये वो, लेकिन सच में जब ये भागी ना तो मेरी जान निकल गई थी। ये देखो नवाब का स्विमिंग पूल जहाँ पे नवाब नहाने आता है, रोहन यहाँ पे जब जिम आते हैं ज्यादा, वैसे टाइम वेस्ट करने से तो फायदा। हिमसु ने मेरे से पूछा कि यार रोहन यार ये तो सही जगह है, ये जगह बहुत सही है,
कुछ मतलब ऐसे शेल्टर वगैरह बना सकते हैं। तो सुनो मैंने भैया से बात करी थी तो उन्होंने पता क्या बोला, कह रहे भैया उन्हीं बस में पैसे कमी नहीं है, उनका गोबर कहाँ गिरेगा। वो कह रहे हैं कि मतलब अगर हम बना देंगे तो गोबर कहाँ गिरेंगे, गोबर कहाँ गिरेंगे। तो ये उनकी जगह गोबर गिरने वाली, इसे खराब मत करो, ये वैल्यूएबल जगह है, खाद बन रहा है। भाई साहब पता मुझे इतना अच्छा लगा था ये, लेकिन कितनी सही जगह है ये, खुली एकदम। लेकिन भैया कह रहे हैं कि अगर हम आपको दे देंगे ये जगह तो हम अपनी कूड़ी कहाँ डालेंगे। ये बात तो सही है। पागल है क्या? बदतमीज, मेरे चश्मे में पैर मार के गए नलायक कहीं का। हिमशो कर रहे हैं सफाई, क्योंकि आज ना भैया आए हैं शॉप ओपन करने, तो ऑलमोस्ट सारा ही सामान सा खराब हो गया। उसका रीजन है कि डीप फ्रीज ना गलती से बंद रह गया। और इसको पकड़ना पड़ रहा है, ये आगे बाहर। रोहन अंकल और भैया बात कर रहे हैं, ठीक है। गोलू आया, रोहन के पैरों में लेट गया। जूतों भी पड़ा, बिल्कुल जूतों भी पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा है तू? ये दिख रही लोमड़ी? हाँ लोमड़ी सर पे जाके चढ़ के बैठ गई खाने के टाइम पे। दिख रही लोमड़ी? पालक पनीर खाएगा? पालक पनीर मुझे पता नहीं, हाँ पर मुझे तुम पालक पनीर जरूर दिख रहे हो। तो खाना रेडी है अपना। गाइस स्वेट मोर एंड बी सेक्सी। ओके, अरे आप क्या कहना चाहेंगे लोमड़ू जी? कि जिंदगी में कुछ मत करो, बस मजे करो, मजे लो। खाना कहाँ से आएगा ये मेरा पापा सोचेगा, इसने मुझे पापा कहाँ से आएगा, खाना कैसे आएगा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो खाना मिलेगा अपने आप। टाइम है छोटा पैकेट को दवाई लगाने का। और देखो छोटा पैकेट देखो कहाँ पड़ा है, देख देख कहाँ से वो कहाँ से मुँह में लग जाएगा। आ इधर तुम, हाथ धो अपना हाथ। नो ये क्यूट बहुत है, नो और बहुत चंचल है, बहुत ज्यादा बहुत तेज तेरे दांत। नो हैंडू दो अपना, अपना हैंडू दो, यहाँ नहीं हैंडू दो, मेरे हाथ में दो। हाँ गुड गर्ल, गुड गर्ल। नो 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 ये सुबह से ही मौसम अच्छा हो रहा है, बादलों वाला एकदम, देखने में अच्छा लग रहा है। सच नहीं कर रहे यार, बहुत सुंदर। ऐसे लेट की गुड नहीं, ऐसे 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 बस पूछ पूछ झील रही सच में। तो ये देखो भाई प्रोसेस हिमशी का, प्लांट्स में ऊपर वाले प्लांट्स में पानी डालने का, बहुत अच्छे। ये देखो आज हमारे घर का हाल क्या बना हुआ है। आज हमारे इस वाले रूम की दिवाली की सफाई होनी है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए बड़ा मैनेज नहीं कर पा रहे थे। और जो ब्लैंकेट्स हैं उन पर ड्राई क्लीन होनी है, तो वैसे बेसिकली ब्लैंकेट निकालने थे, जिस चक्कर में ही सारा सामान निकल चुका है। अभी ना हम लोग वॉक करने निकले हैं। अच्छा वो वाइट वाला डॉग है, तो ये ना फीमेल है, तो इसको पसंद नहीं है, ये सारे बच्चे इसके पास आए। और नवाब इधर है। आप लोगों को ना यकीन नहीं होगा, जो गोलू है ना, तो गोलू पे जो उसका सगा भाई है भोलू, वो भी अटैक करता है, और वो उसके सामने पूंछ दबा के रहता है। अब मुझे समझ में आया कि ये हमारे घर के बाहर क्यों नहीं बैठ रहा था, अगर गोलू बैठ रहा था, क्योंकि अरे कालू को क्या हुआ, कालू के पैर में कुछ हुआ है, तीन पैर पे चल रहा है, चौथा नहीं रख रहा। तो अब समझ में आया कि गंगाधर ही शक्तिमान है। लड़का देखो कैसे काम करता फिर रहा है, पहले वो वाला रूम किया, अब बाहर। और ये जो बेडशीट है ना, ओ सॉरी बेडशीट बोलू, ये जो ब्लैंकेट है ये सारे ड्राई क्लीन होने जाएंगे, इसलिए निकाल रहे हैं। मेरी दुनिया तबाह हो गई है यहाँ। 12 दिसंबर 2015 को हिमशी त्यागी के साथ साथ फेरे लेने के बाद से रोहन त्यागी की जिंदगी पूरी की पूरी पलट चुकी है। याद रखना 12 दिसंबर 2015 तब से रोहन चैन की सांस नहीं सो पाए हैं। और ये जो ब्रेड है ना, इतने सारे ब्रेड दिख रहे हैं, ये सारे हम दूध में, रोहन हम ब्रेड के साथ दही मिला सकते हैं क्या? ये दूध में ही भिगोने हैं, क्योंकि बहुत सारे दूध के पैकेट और दही के पैकेट और लस्सी के पैकेट हैं, जो अंकल जिनकी डेथ हुई है ना, तो उनकी ये ग्रोसरी की शॉप है,
तो अब क्या है कि वो लॉक लगा रहेगा, तो इसलिए अब ये जो जितना भी खाना है जो हम खिला सकते हैं, हम ये सारे ब्रेड और दूध गाय को खिलाने वाले हैं कल सुबह सुबह में। और मैं बहुत ही आराम से मज़े से बैठ के चिल कर रही हूँ, रोहन को देखती हूँ, रोहन जितना काम कर रहे हैं। वैसे रोहन की ये मुँह के पीछे पीठ पीछे की तारीफ है कि रोहन काम घर के काम में बहुत हेल्प करते हैं, और जो ऐसे काम है ना, कर्टेन उतारना, धोना, सुखाना और फिर से उनको उनकी जगह लगाना, बेडशीट्स धोनी, ब्लैंकेट जो हल्के ब्लैंकेट होते हैं वो धोने, और जो ये मोटा मोटा काम होता है ना, मेन जो जिसमें औरतों की कमर बोल जाती है, वो सारे काम रोहन डेवन से खुद ही करते हैं, मैं नहीं करती हूँ। दिवाली की सफाई में जितना भी मोटा काम है वो सारा रोहन देखते हैं, मैं बारीक काम या मतलब जो मुझे लगता है कि मेरे औकात अनुसार ठीक है मैं उतना कर लेती हूँ, बाकी ये जितना भी मुश्किल काम है ये सारा रोहन करता है। नगर देख रहे हो लड़की कितने बढ़ते जा रहे हैं, इसमें दवाई मिली हुई है तो खाना नहीं खाएगी। अभी सबसे पहले सारे घर के बच्चों को खाना खिला के उसमें दवाइयाँ मिला के उसके बाद में बाहर वाले बच्चे को खाना खिलाना है। और आज की शिवरात्रि भी यहीं पे करेंगे क्योंकि एक तो मौसम भी बाहर ख़राब है और मुझे टाइम भी लग जाएगा फीडिंग के लिए। तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखना है और अपने घर से बाहर वाले बच्चों का भी ध्यान रखना है। खुश शिवरात्रि।